और हम लोग निकलने ही वाले थे, जैसा कि आपको बताया कि पैकिंग सारी हो गई थी, रिया भी तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जी जिसके कारण जो है हम लोगों को जो है नहीं जाने का फैसला लेना पड़ा। शायद आप भी हमारी जगह रहते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, यहाँ पे मोलू आया हुआ है, मोलू बैठा हुआ है क्रियांश के पास। तो क्रियांश भी कुछ खोज रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं मार्केट जाके होके आ जाते, क्योंकि 7:30 बज गया और डैडी भी मार्केट गए हैं। तो हमने मोलू को बोला है थोड़ा सा क्रियांश के साथ खेलो, क्योंकि ये क्रियांश के साथ ही खेलने के लिए आया था। तो अभी क्रियांश उठा है तो हम बोले क्रियांश के साथ खेलो, तब तक हम लोग भी मार्केट से आ जाएंगे और हो सकता है डैडी भी आ जाए। एक यांच मामा के छात्र है ना, परछा मत करना, दादी का तबीयत खराब है ना, है ना दादी का तबीयत खराब, कौड़ा बंद करो ये देखिए ना, कौड़ा बंद कर दे। तो हम लोग आ गए हैं जी मॉल और यहाँ पर आए हुए हैं कुछ ड्रेस खरीदने के लिए। तो शिवांश के लिए भी देख रहे हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए, बाकी जिया भी देख रही है। तो यहाँ पर भी कोशिश किया कि कुछ मिल जाए ढंग का, लेकिन यहाँ पर जो हमें ढंग का ड्रेस दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक शॉप ही चलते हैं, वहाँ पर दिखा दिया जाएगा प्रॉपर। तो हमें जो लेना था जी वो ले लिया और अब जिया यहाँ बिल के काउंटर पर थी, यहाँ पर बिलिंग करवा रही है और बिलिंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो है, बहुत देर से खड़ी है। कैसा लग रहा है? One hour later. इसके बाद हम लोग आ गए हैं प्रेस करने के लिए, कुछ कपड़ा दिए थे पति अपना बोल रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं घर, ठंड बहुत ज्यादा थी और क्रियांश जो है इधर बदमाशी कर रहा है, और हम लोग मोमोज लेके आए थे तो क्रियांश सोचा ब्लैक क्लॉथिंग में है क्या, तो हमने यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिया, चढ़ के खोल के देख रहा था, देख लिया अभी उतर गया है क्या। The next day. Good morning, आप सभी को राधे राधे, बोलो राधे राधे। पूछू डेडो छपको एक, अभी भी इसको नींद आई हो, पता है अभी कितने बजने वाले हैं? 11 बजने वाले हैं और क्रियांश अभी उठा है, अभी जाके डांटे हैं तो अब उठ के आया है। क्रियांश हम गए रूम देखने के लिए तो अभी तक नहीं उठा है क्रियांश, 11 बजने वाले हैं। तो ये देखिए आराम से बेड पर लेटा हुआ था, तो हम बोले उठता है कि नहीं तू, तो हंसने लगा, फिर उठ के आ गया। कैसे हंसता क्या तुम तुम दादू दादू? अच्छा दादी कैसे हंसती है क्रियांश? क्रियांश दादी कैसे हंसती है एक बार दिखा दो सबको, दादी कैसे हंसती है? कैसे हंसती है बता जल्दी, सबको राधे राधे कर दो, जय कर दो, तो जय ऐसे जय कर दो, जय जय कर दो, जय जय कर दो, बाय कर दो। अच्छा चलो ठीक है, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 करने में बहुत एक्सपर्ट है। हंसी भी आ रही है। अगर किसी को ये नहीं जान रहा है, अगर वो घर आ गए तो उसको सबसे पहले ये बाय ही कर देगा। नहीं ऐसा नहीं करते ना, हाय करते हैं, जय करते हैं, बाय थोड़ी करते हैं। चल पापा से मिलने चल, चल। तो क्रियांश जा रहा है अपनी दादी के पास अभी, है क्रियांश बाबा से मिलने जाना है। ये कौन एक्टिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, माइक का मुंह देखिए कैसे करता है, क्या हुआ जी लड़का, मुंह सब बनाता है। क्रियांश सबसे पहले ये दवाई पीता है सुबह सुबह मुंह के पेट। हाँ क्रियांश ये कब से पी रहा है माई, ये बहुत छोटे से ना, जब से दांत आता है 6 महीना बाद, 6 महीना के बाद से क्रियांश ये दवाई पी रहा है। 5 साल की उम्र तक इस दवा को आप देख सकते हैं, होम्योपैथ की बहुत अच्छी दवा है। क्रियांश तो पीता है मेरा बेटा, मैं होम्योपैथ की डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन होम्योपैथ की डॉक्टर की सलाह। हाँ क्रियांश पीता है और इसको बहुत फायदा किया है दीदी, और ये क्रियांश को अच्छा भी लगता है, पेट खराब नहीं होगा, सर्दी खांसी नहीं होगा। एक टॉनिक है, एक तरह से टॉनिक है बच्चों का, कुछ बच्चों को बीमारी होगा तो उसमें हेल्प करता है। क्रियांश लेट जाइए, लेट के पीजिए बेटा, ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ जाइए। तो अभी 2 बज रहे दोपहर के, मैंने जल्दी जल्दी से नहाया क्योंकि भूख बहुत तेज लग गई थी, और क्रियांश भी जो है बगल वाले घर में गया था भाभी के पास, अपनी दीदी के पास खेलने के लिए। है क्रियांश आज क्या नहीं किया ना, पूछो रोडो मम्मा तो बहुत मास हो गया है। तो क्रियांश टॉय है, दे दो मम्मा को, रूम चलिए, रूम रूम लेके चलिए, टॉय बैठ जाइए खेलिए आप, मम्मा रूम को करेगी मामा की आंच, खेलेगा। A few moments later. हाँ क्रियांश जो है गाड़ी को पलटा करके क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा था ना ये, अपने से गाड़ी से उतर गया, कमर में दर्द चलते झुक नहीं पाए, किसी तरह उतर गया, उसके बाद घुमाने लग गया, पलटा दिया हाँ, फिर अपना घुमा रहा, वाह किसी तरह शांति से रहे। हाँ चले पानी पीजिए तो
पानी पिएगा मेरी गुड़िया, पानी पिएगी मेरी गुड़िया। हाँ चलो। तो आज हमारी शहर में बहुत अच्छी धूप निकली है 5-6 दिनों बाद, और क्रियांश छत पे आया है। क्रियांश बहुत दिनों बाद छत पे इसको घूम, सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को ही हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है बच्चा बूढ़ा दोनों। हाँ कपड़ा नहीं सूख रहा है, कपड़ा नहीं सूख रहा है क्रियांश का। और अभी क्रियांश क्या किया ना, डैडी एक लोटा रखे थे पानी देते थे फूल में, वो उठा के उसको फेंक दिया। अब तो खैर भगवान के पास, किसी के पास कपड़े की कमी नहीं है। पहले गरीब आदमी सबको देखते है, गाँव में जो मजदूर वर्ग का आदमी था बहुत दिक्कत में रहता था, उस सबके लिए बहुत परेशानी की बात होती थी। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है, अब देख करके अपार खुशी होती है कि 2000 में जो साड़ी बिकता है, 2000 में जो स्वेटर बिकता है, वो स्वेटर रिडक्शन में 200 में आता है। हाँ। तो गरीब अमीर एक ही जैसा पहनते हैं, कोई नहीं पता लगा सकता है कि ये ब्रांडेड है क्या या रिडक्शन का है। हाँ। लेकिन इसलिए समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई। हाँ। और आमदनी का जरिया बदल गया। हाँ, सही बात। और भगवान का इसी तरह परिवर्तन होते रहे, और हर कुछ दिन बाद, समय तो हम नहीं उतना निश्चित बोल सकते हैं क्योंकि अभी पढ़ाई लिखा बहुत पहले छूट गया, इसलिए इतना मुश्किल विद्यार्थी होने के बाद ही बायोडाटा याद नहीं है। तो इतना बात जरूर है कि कुछ समय बाद हमेशा युग परिवर्तन होता है। मेरी माँ कुछ और देखी, हम कुछ देख रहे हैं, मेरे पोता, आपका पोता कुछ और देख रहा है, पोता कुछ और देखेगा। हाँ, तो समय परिवर्तनशील होता है। आज दुनिया में कोई अपने को समझता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, कोई ताकतवर नहीं है। सबसे बड़ा ताकतवर वक्त है, वह किसी को ताकतवर बना सकता है, किसी को कमजोर बना सकता है। आपके साथ वही हो जाएगा जो आपका किया हुआ कर्म है, आपके जाने के बाद ही उसकी चर्चा होगी और आप जीवित रहिएगा। सही बात। और क्रियांश क्या कर रहा है तू? क्रियांश अभी दादी को इस गिलास में पानी ला करके दिए थे और ये गिलास से खेल रहा है। अब इसको मत फेंक देना बेटा, इसको मत फेंक गया ना, इसको इधर फेंक दिया ही। अब कहाँ फेंका दिख ही नहीं रहा है हमको। क्रियांशी तुम माँ डैडी को फोन करके बताएगी कि उनका पोटा वाला लोटा को ये छत से रेलिंग से फेंक दिया है। डैडी को हम, डैडी तो नहीं इसके बाबा है, डैडियो कहता है, बाबू कहता है। अभी कंप्लेन करते हैं कि आपका पोटा फूल पटाने वाला जो लोटा है सब फेंक दिया, फेंक दिया फील्ड में। बाल्टी भी फेंकने वाला था, हम बचा लिए। अभी हम फोन करते हैं, ए बाबा को कह रही है दादी। क्रिया बाबा को हम कंप्लेन करते हैं, रुकिया गिलास भी फेंक दे। देखिये वो क्या कर रहा है, उसमें विवाद किया तब उसको घुमा रहा है, ओकरा फेंक दला फील्ड में, तकर बाल्टियो फेंकने जात रहे ता हमर नजर पड़ल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर उसकी दीदी लेके आई है, क्रियांश ये फेंक दिया था ना, क्रियांश को दे दो। अभी क्रियांश क्या किया पता, एक लोटा उधर फेंक दिया। तो माँ ये भी फेंका हुआ था उधर, तो लेके आई है। ये अपना टॉय फेंक दिया था उस साइड। बोले थैंक यू दीदी, थैंक यू। देखे ये फेंक दिया था उधर छपड़ा पे, तब वो लेके आई। खड़ा क्रियांश, मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह में क्या है दिखाओ, डांस नहीं करो, दिखाओ जल्दी मुंह में क्या है। तो क्रियांश जब पूरा तिलवा जो है पूरा मुंह में डाल लिया है। लो क्रियांश कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है तू, उतर जल्दी, उतर 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 उतर, अब नहीं चलना, फिर चल रहा है। क्या कर रहा है डैडी? नहीं आए, ठग रही है रे तुमको, ठग रही है, ठग रही है, ठग रही है, ठग रही है, जल्दी नहीं आए डैडी इधर, जल्दी थोड़ी आते बाबा कोर्ट से बेटा, एक पतंग आया हुआ है किसी का यहाँ फंस गया है, देखिए। यहाँ पर जी अपना सामान पैक हो गया है, और भी कुछ सामान सब जो है ट्रॉली सब वो सब पैक हो गया, और जिया यहाँ पर तैयारी कर रही है। जी अभी तक तो बात था कि हम लोग निकलने वाले हैं, और हम लोग निकलने ही वाले थे, जैसा कि आपको बताया कि पैकिंग सारी हो गई थी, जिया भी तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जी जिसके कारण जो है हम लोगों को जो है नहीं जाने का फैसला लेना पड़ा। शायद आप भी हमारी जगह रहते तो शायद आप भी ऐसा ही करते, और पता नहीं जी ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी सोच रहे हैं जाएंगे, कभी सोच रहे नहीं जाएंगे, ऐसा ऐसा करके कुछ हो जा रहा है परिस्थिति। जी मम्मी को बहुत ही तेज बैक पेन हो गया है, जिसकी वजह से जो है मम्मी को कुछ काम था बैंक सब का, तो मम्मी के लिए जो है जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो इस वजह से जो है मुझको यहाँ पर रुकना पड़ा, और कुछ गेस्ट भी घर में आने वाले हैं, तो इस वजह से जो है हमने नहीं जाने का फैसला लिया, और रुद्र भाई को भी बता दिया कि जी देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है जिस वजह से जो है हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोग जो है कोशिश करेंगे आने का, रुद्र भाई कहने नहीं बिल्कुल आना है आपको, जाएंगे जरूर, इतने प्यार से बुलाया है रुद्र भाई ने और पूजा जी ने, तो जरूर जाना है। तो 22 को फंक्शन है, तो वैसे भी जी हम लोग 21 को पहुंच ही जाएंगे रात तक, अगर हम लोग 21 के सुबह 9 बजे भी निकले तो आराम से 7-8 घंटा का रास्ता है पहुंच जाएंगे।
जाएंगे अपलोड। तो 22 तारीख का फंक्शन मिस नहीं होगा और बाकी बहुत सारे क्रिएटर सब भी आ रहे हैं, सभी से बातचीत भी हुई और सभी लोग एक्साइटेड है कि हम लोग एक साथ मुलाकात करेंगे, तो जी हम लोग जरूर जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को आप यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।